का स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति का क्या है हाल। गरीबों की संख्या 2016 में 12.5 करोड़ थी, अब केवल 5 करोड़ है। राजनाथ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा, अमेरिका में थिंक टैंक बुकलिन इंस्टीट्यूट ने कहा है कि गरीब से जूझ रहे लोगों की संख्या 2016 में करीब 12.5 करोड़ थी, जबकि अब यह संख्या केवल 5 करोड़ रह गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि गरीबी क्यों नहीं हटी है। कांग्रेस की न्याय योजना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मौजूद न्यूनतम आय गारंटी न्याय योजना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस तरह की घोषणा करना लोगों को रिश्वत देने के बराबर है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। कोर्ट ने इस पर कांग्रेस से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। बीजेपी मेरी हरिंद पांड्या की तरह हत्या करने की कोशिश कर रही है। हमले पर हार्दिक, खुद पर हमला करने की घटना पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि बीजेपी मुझे उसी तरह जान से मारने की कोशिश कर रही है जिस तरह हरिंद पांड्या की हत्या हुई थी। बतौर हार्दिक हमलावर बीजेपी से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हरिंद पांड्या की 2003 में हत्या कर दी गई थी। बाबर की औलाद को देश सौंपना चाहिए चाहते हो क्या, इसी का बैन खत्म होने पर योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को संभल यूपी में समाजवादी प्रत्याशी शकीकुर रहमान बर्क को बाबर की औलाद कह दिया। योगी ने कहा है कि बाबर की औलाद को देश सौंपना चाहिए चाहते हो क्या। गौरतलब है कि चुनाव आयोग इसी द्वारा लगाए गए 72 घंटों का बैन खत्म होने के बाद आज योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार शुरू किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।